बेअदबी मामले की अज फरीदकोट अदालत में सुनवाई होगी। मामले में नामजद डेरा प्रेमिया की अज पेशी होगी। जमानत से चल रहे सारे डेरा प्रेमी कोर्ट में पेश हो सकते हैं। दस्सिए कि बेअदबी मामले की अज फरीदकोट अदालत में सुनवाई हो जा रही है। मामले में नामजद डेरा प्रेमिया की अज पेशी होगी। जमानत से चल रहे सारे डेरा प्रेमी कोर्ट विच पेश हो सकते ने। ताबियत भी मामले दी आज फरीदकोट अदालत विच सुनवाई होगी। मामले विच नामजद डेरा प्रेमिया दी पेशी आज है। जमानत ते चल रहे सारे डेरा प्रेमी अदालत विच पेश हो सकते ने। अमन साढ़े सहयोगी होर जानकारी दे नाल जुड़ के ने। अमन, आज बेअदबी भी मामले दी फरीदकोट अदालत विच सुनवाई है, की कुछ होर जानकारी इस खबर ते? जी स्वाति, मैं दसना चाहूंगा कि एफ आई आर नंबर 63, 128, 117 ये तिना एफ आई आर जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी के संबंधित मामलों के जेडे नामजद थे डेरा प्रेमी, उन्होंने अज अदालत के माननीय अदालत के किसी समय भी पेशी हो सकती हैगी है। और बेअदबी मामलों के चलद्या ये जिन्हें भी नामजद डेरी प्रेमी से सारे जमानत से चल रहे थे। और माननीय अदालत की फैसला सुनाती है, तरीक पाती है, या कोई डिसीजन दिंदी है, या होर की फैसला माननीय अदालत सुनाती है, ये देखना हजे बाकी होगा। जी बिल्कुल, ता मामले विच नामजद डेरा प्रेमिया दी अज पेशी है, जमानत ते चल रहे सारे डेरा प्रेमी कोर्ट विच पेश हो सकते ने। ता जिस तरह दे नाल बिल्कुल अमन, ता जिस पूरे मामले ते सुनवाई है लगातार तेजी दे नाल इस पूरे मामले विच सुनवाई की जा रही है, हर कोई इंसाफ की उड़ीक कर रहे थे। हुण जिस तरह दे नाल अज मामले विच नामजद डेरा प्रेमिया दी पेशी है, ये भी जानकारी है कि जमानत ते चल रहे सारे डेरा प्रेमी भी कोर्ट विच पेश हो सकते ने। बिल्कुल स्वाति, मैं दसना चाहूंगा कि जिथे डेरा प्रेमी है जिहड़े नामजद है वो पेश हो सकते हैं। दूसरे पासे जेकर गल कर लीए तो वक्ख वक्ख एसआईटियां काम कर रही गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले के, उस तो बाद जिहड़ियां एसआईटी काम कर रही है हुण पिछले दिनों के जेकर गल कर लीए तो इन्होंने आपकी इन्वेस्टिगेशन तेज की है। जिहड़ी एक एसआईटी हैगी है वो पिछले दिनें फिर दोबारा ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ ਜੋ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀਗੇ, ਮੇਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। बिल्कुल, तो लगातार तेजी नाल जांच जा रही है। इस पूरे मामले में अज फरीदकोट अदालत में भी सुनवाई होगी। मामले में नामजद डेरा प्रेमिया की अज पेशी है, जमानत चल रहे सारे डेरा प्रेमी कोर्ट में पेश हो सकते हैं। शुक्रिया अमन गलबात लई।